वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जिंदगी से पांच ऐसे मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ लर्निंग लेसन हैं जो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, और एक बहुत बड़ी मिथ भी है जो महाराणा प्रताप को लेकर है, उससे भी हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको प्लीज पूरा देखना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत, आई एम फ्रॉम राजस्थान चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप को लेकर सबसे बड़ी जो मिथ है वो दोस्तों उनकी आर्मरी को लेकर है कि उनके पास 80 किलो का भाला था, 20 किलो की तलवार थी और ऐसे करके कई सारी बातें हैं। लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों वो ये है कि उनका जो टोटल आर्मरी का वेट था वो 35 kg यानी कि 35 किलो था। दोस्तों आज ही के दिन यानी कि आपके पास में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय विक्रम संवत के हिसाब से 1540 के अंदर उनका जन्म कुंभलगढ़ मेवाड़ राजस्थान के अंदर हुआ था। बहुत ही मेधावी थे महाराणा प्रताप, बहुत ही महान थे और काफी सारी उनकी क्वालिटीज है जिसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज है ये कि दोस्तों उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था एक घटना का। वो घटना है दोस्तों 1567 की, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था और युद्ध को जीतने के बाद उसने 30,000 मासूम लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। उसी के अंदर जितनी भी राजपूत शत्राणियां थी उन्होंने जौहर किया था, जिसमें आग में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी थी, अपनी आहुति दे दी थी इस मेवाड़ के अंदर। इस चीज का उनकी लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और इसी के 9 साल के बाद में यानी कि 1576 के अंदर एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैटल लड़ा जाता है जो कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी है, जो कि नाथद्वारा में उदयपुर के पास में ही है। हम इसकी मेरिट्स के अंदर नहीं जाएंगे, हमें वो पांच लेसंस सीखने हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हो सकते हैं, जो हम महाराणा से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, बिना त्याग के कभी कोई इंसान महान बना ही नहीं है। तो महाराणा भी इस क्वालिटी को कैसे दूर रख सकते थे। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा जो पिलर है उनकी लाइफ का वो है उनका त्याग। उन्होंने प्रण लिया था दोस्तों कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं मेवाड़ की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा, और जब तक मेवाड़ को आजाद नहीं करवा देता तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, मैं गुफाओं में रहूंगा, मैं घास तक की रोटी खा लूंगा। गुलामी की रोटी एक सोने चांदी के थाल में खाने से अच्छा है, अपने देश की स्वदेशी रोटी, आत्म निर्भर और आत्मसम्मान की रोटी जो हमारे पास में घास की भी होगी हम उसे भी खाने के लिए रेडी है। तो वो जंगल में रहे थे, गुफाओं में रहे थे, उन्होंने बहुत त्याग किया था दोस्तों, और लगभग 26 साल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है तब तक उनका ये स्ट्रगल चलता रहा था। उनके पास ऑफर भी था अकबर की तरफ से कि मैं आपको आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए, पर महाराणा को ये कतई मंजूर नहीं था किसी की गुलामी करना। दूसरा सबसे बड़ा उनका लाइफ का जो लेसन है मैं उनकी महानता मानता हूं, जो कि एक छोटी सी घटना से पता चलती है। उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे कुंवर अमर सिंह जी, एक बार क्या किया था उन्होंने शेरगढ़ में महाराणा अकबर का बहुत ही जो करीबी थे उनका नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना, वो रुके हुए थे अजमेर के यहां पर, और वहां पर अमर सिंह जी ने जाकर आक्रमण कर दिया और उनको जैसे धोखे से या किडनैप करके उनकी जितनी भी बहू बेटियां और स्त्रियां थी, बेगम थी, उनको उठाकर लेकर आ गए इस प्रतिशोध के अंदर कि उन्होंने भी हमारी माताओं बहनों और बेटियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है तो हम इसका बदला जरूर लेंगे। जब ये बात का पता महाराणा को चला तो उन्हें बहुत ही लज्जित महसूस हुआ कि हम वो क्षत्रिय हैं जो स्त्री की सम्मान करना जानता है और युद्ध के मैदान में हम लोग युद्ध करेंगे, औरतों को सहारा बनाकर हम अपनी छाती को नहीं ठोकेंगे, इनको सम्मान इज्जत के साथ में दोबारा इनको वहां पर छोड़कर आ जाओ। दोस्तों इस घटना का अब्दुल रहीम खाने खाना के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था और कहीं ना कहीं वो मन ही मन में महाराणा के दीवाने भी हो चुके थे। ठीक है, सो ये उनकी ग्रेटनेस को दर्शाता है कि वो स्त्रियों के प्रति कितना सम्मान रखते थे और ये उनकी एक्चुअल में ग्रेटनेस ही थी। इसके बाद अगले चलते हैं दोस्तों, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में वो सभी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो है उनका पराक्रम, वो है उनकी शक्ति। एक घटना पता चलती है दोस्तों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पूरी दुनिया एक बैटल ऑफ दिवेर हुआ था जिसके बारे में नहीं जानती है, इतिहास में उसको छुपा के रखा है। क्यों? बिकॉज वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आत्म समर्पण हुआ था, अगर आप बांग्लादेश का युद्ध हटा दो तो सेकंड नंबर पर वही आता है। 36,000 मुगल फोर्सेस ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण किया था और महाराणा का दिल देखो, उन्होंने सभी को रिहा कर दिया था कि जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूं कुछ समय के बाद में। उसी बैटल के अंदर दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल कमांडर था जिसका नाम था बहलाल
खान जो कि अकबर का कमांडर था, महाराणा ने एक ही झटके के अंदर उस बहलोल खान को घोड़े समेत दो टुकड़े कर दिए थे। और आप सोच सकते हो कि इंसान को उसके जो लोहे का कवच था वो भी भेद दिया था, जो घोड़ा था उसके भी दो टुकड़े हो गए थे और वो ऐसे चीर कर और दोनों साइड में गिर गया था। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराणा के बाजुओं में कितना शक्ति थी, बहुत ही पावरफुल कहलाता था उस समय ये बहलाल खान। फिर इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर चलते हैं जो कि है उनका साहस दिखाता है। जब बैटल ऑफ हल्दीघाटी हो रहा था तो उस बीच में ऐसा कहा जाता है कि 80,000 तो मुगल फोर्सेस थी ये तो कंफर्म है, लेकिन जो मेवाड़ी फोर्सेस थी उसके बारे में कंफर्म नहीं है। मेवाड़ी फोर्सेस के अंदर राजपूत, भील और कुछ पठान भी शामिल थे महाराणा की टीम के अंदर, महाराणा की सेना के अंदर। जब ये लोग युद्ध कर रहे थे तो 20,000 का जो आंकड़ा है वो मुगल सल्तनत की तरफ से रखा जाता है कि 20,000 राजपूत थे मेवाड़ की तरफ से, और जो मेवाड़ के जो साक्ष्य हैं उसके अंदर ये पता चलता है कि 4,500-5,000 ही राजपूत थे। ये इस बैटल के अंदर दोस्तों महाराणा ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला था, एक बहुत बड़ा कदम लिया था। महाराणा जिस दिशा में आगे निकल जाते थे, जिस दिशा में उनको अपना शत्रु दिख जाता था, वो सेना को चीरते फाड़ते हुए, लाशों के ढेर लगाते हुए अपने शत्रु का गला काट देते थे, वो इतने पावरफुल थे। बट वहां पर जो था ये मानसिंह था, वो एक हाथी के ऊपर, बहुत ही बड़े विशाल काय हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, और महाराणा के जो चेतक था उन्होंने अपना घोड़ा जो था उस हाथी के सर पर लगा दिया और काफी प्रहार किए। आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी बड़ी तादाद में एक फोर्स है उसके बीच में जाकर उनका जो सेनापति है उसको मारने का साहस बहुत बड़ा होता है, ये महाराणा ने करके दिखाया था। फिर आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है इनके आत्मविश्वास के बारे में, इनके कॉन्फिडेंस के बारे में। महाराणा का जो कॉन्फिडेंस था वो कुछ इस कदर था कि वो अपने साथ में हमेशा दो तलवार रखते थे, एक नहीं दो, दूसरे किस लिए कि अगर सामने शत्रु अगर निहत्ता हो तो उसको क्षत्रिय धर्म के हिसाब से वो एक वेपन मिलना चाहिए, एक तलवार मिलनी चाहिए और उसके बाद में उसका मैं वध करूंगा। तो यहां से ये चीज का पता चलता है कि महाराणा बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा महान थे, साहसी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत त्याग किया था। तो महाराणा प्रताप की जिंदगी सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी को उनसे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए और इन सारे लाइफ लर्निंग लेसन्स को आप अपनी जिंदगी में उतारें और देखिए फिर सफलता आपके भी कदम चूकना शुरू कर देगी। जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा, जितना बड़ा आपका सेक्रीफाइस होगा, जीत का मजा उतना ही ज्यादा भी होगा। आई होप दोस्तों आपको महाराणा प्रताप की जिंदगी से ये 5 लेसन सीखने को मिले होंगे। प्लीज इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और कुछ बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के जिनको लगेगा कि यहाँ पर कुछ गलत कमेंट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा, हाथ जोड़ूंगा, आपसे विनती करूंगा, प्लीज कुछ गंदा कमेंट ना करें। महाराणा का सम्मान पूरी दुनिया करती है, उनका शत्रु भी करता था। जब महाराणा की मृत्यु हुई थी तब अकबर भी रोया था कि वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महान किस्म के इंसान थे और पत्र में भी ये उन्होंने लिखकर भेजा था कि मुझे बहुत अफसोस है कि महाराणा से मैं कभी जिंदगी में मिल नहीं पाया, उनको मैं कभी हरा नहीं पाया, इस चीज का मुझे हमेशा दुख रहेगा। तो हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और कहीं पर भी कुछ नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।